आज का सीन ये है कि दावत शावत थी तो दावत शावत खा के वेले हुए हैं। टायर अगर अच्छे नहीं थे निकले तो जो मैं हूँ ना, मैं टायरों पे और ब्रेकों पे बिल्कुल रिस्क नहीं लेता। 19,000, 18,000, 27,000 और ये जो है ये 25,500 का। तो गाड़ी लेनी है, आसान है, टायर डलवाना मुश्किल है। यहाँ पर आए हैं, हमें ये टायर पसंद आ गया, हमने इसके डील कर लिया रोडेक्स। ठीक है, इसके जो टायर वगैरह है ना सारे इंस्टॉल हो गए हैं। ठीक है, जो पुराने टायर थे मैंने वो भी डिक्की में रखवा लिए हैं। तो गाइस, टायर डलवाने की खुशी में हम यहाँ पर आ गए हैं। ये जो बिरयानी बनाई है ना, ये हमजा भाई और सलमान भाई ने बनाई है। Assalamualaikum guys, welcome back to another vlog, another video। क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से, मजे में है। आइए चेक करें, हेमू मियाँ हेमू बैठा होगा। ठीक है, मेरी खाला का बेटा है ये। ठीक है, और ये पीछे शिकंजा बरोज भी बैठे हैं। तो आज का सीन ये है कि दावत शावत थी तो दावत शावत खा के वेले हुए हैं। ठीक है, तो ये BRV आपको पता था ली है, उसके जो बाकी छोटे मोटे काम थे वो तो करवा लिए थे, लेकिन जब व्हील बैलेंस अलाइनमेंट करवाई थी ना तो इसके टायर अगर अच्छे नहीं थे निकले तो जो मैं हूँ ना, मैं टायरों पे और ब्रेकों पे बिल्कुल रिस्क नहीं लेता। तो अब आए हैं इधर फैसल टाउन सैफ ट्रेडर पे भी फ़िलहाल आए हैं, तो जाके देखते हैं कि यार टायरों की क्या कीमत है क्या नहीं। दो चार दुकानें पहले भी घूम ली हैं। ठीक है, जो चाइना का टायर है ना वो भी तकरीबन 17,000 से 22,000 के अंदर अंदर है। अब देखते हैं, एक बंदे से टायर पूछे थे, उसके थोड़े बेहतर लगे हैं, 24 की डेट थी और बाकी टायर भी अच्छा था, चाइना का ही था। वो कह रहा था 20,000 का, वो कह रहा था अभी उससे कम तो नहीं कराए, जाहिर सी बात है निगोशिएशन तो हो ही जाएगी। बहरहाल फिर अभी इधर चलते हैं सैफ ट्रेडर पे, इधर जाके देखते हैं कि क्या प्राइस है क्या सीन है। चले मियाँ जी, चलो जी आ जाओ। ओके जी, ये गाड़ी बंद करते हैं। ठीक है, जाके देखते हैं क्या सीन है, और अगर मुनासिब हुआ ठीक है, ओके सीन हुआ तो अभी डलवा लेंगे। फिर चलते हैं अंदर। तो ये भी टायर वगैरह चेक कर रहे हैं, 19,500, 18,000, 27,000 और ये जो है ये 25,500 का। ये टायरों का तो समझ नहीं आ रहा है भाई। हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है? बहुत महंगे हैं भाई, इधर से तो दिल कर रहा है बाहर चले जाए बस। मेरे ख्याल से गाड़ी लेनी है आसान है, टायर डलवाना मुश्किल। टायर डलवाना मुश्किल हो गया, फ्यूल और टायर। हाँ, टायरों पर वैसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। बंदे की जूती ख़राब हो पाँव ख़राब कर देगी, बंदे गाड़ी के टायर ख़राब हों पूरी गाड़ी ख़राब कर देगी। अच्छा, तो गए एक और शॉप पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी टायर देखते हैं क्या प्राइस वगैरह है। ठीक है, अगर कुछ समझ में आता है तो देखते हैं यार फिर। तो गैस, यहाँ पर आए हैं, हमें ये टायर पसंद आ गया, हमने इसकी डील कर ली है रोडेक्स। ठीक है, चाइना का टायर है और 80,000 किलोमीटर की वारंटी है और साथ में 3 साल की वारंटी है इसकी, और जो टायर साइज़ है वो 205/60/16 है। ये 195/60/16 देंगे हमें, जो हमारी गाड़ी को ओरिजिनल लगा हुआ है। ठीक है, उन्होंने ये दिखाया है सेम यही टायर है। बाकी चलते हैं, ये टायर लगवाते हैं, लगा के ये देखें, ये पड़ा हुआ है 195/60/16। ठीक है, ये वाला टायर है, बाकी चलते हैं लगाते हैं, बाद में एंड पे आपको प्राइस वगैरह भी बताएंगे और जिस तरह लगता है वो भी बताते हैं। भाई कह रहे हैं कि आपको गैस वगैरह नाइट्रोजन गैस बोला आपने। ठीक है, ठंडी हवा वाली गैस डालेंगे बीच में और फिर देखते हैं सीन क्या है। अभी बाहर चलते हैं, जाके देखते हैं, गाड़ी सीधी करके लगवाते हैं क्योंकि टायरों के ऊपर भाई नो कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा, तो गाइस ये टायर लगना स्टार्ट हो गए हैं, पहले रिम को टायर लग रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस इसमें भी डालेंगे, साथ में इसकी नोजल साथ चेंज करेंगे, उसके बाद इसकी व्हील बैलेंस सारा कुछ होगा। अच्छा, तो गाइस ये जो है ना व्हील अलाइनमेंट होने लगी है। ठीक है, आपको पता लास्ट लोगों भी आपको कराई थी, लेकिन जब भी बंदा नया टायर लगवाए ना तो दोबारा व्हील बैलेंसिंग करवानी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है, जिस तरह व्हील बैलेंसिंग हो गया और नाइट्रोजन गैस डाली है इन्होंने। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का भी मैं बेनिफिट पूछ लेता हूँ क्या होता है, मुझे इसका पता नहीं, वह इतना पता है कि वो ठंडी गैस होती है। और अब देखते हैं ये व्हील बैलेंस करते हैं और सारा कुछ फिट करके ना सही लगाते हैं। पहले वाले टायर जो मैंने व्हील बैलेंस करवाई थी ना लास्ट लोग में, तो वो जो थे ना वो टेढ़े थे टायर, जो भी उतारे हैं। ठीक है, ये चेक करें, ये टायर थे और ये देखें, ये सारे टायर इधर से ख़राब हैं और टायर के अंदर क्रैक भी हैं, तो ये टायर ना बिल्कुल फारंग है। ये टायर उठा के घर ले कर जाएंगे। ठीक है तो किसी काम के लिए नहीं, लेकिन मेरे ये बड़े काम के हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। यू नो, फिर मार्केक्स में ये डाल के ना शू 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 हो गई है।
अच्छा तो गाइस इनके पास ना 195/60/16 जो है ना वो कम पड़ रहा था, ठीक है, तो इन्होंने 205/60 लगाने लगे हैं, तो इससे ये बेनिफिट होगा कि रोड ग्रिप ज़रा बेहतर हो जाएगी, पेट्रोल एवरेज से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये चेक करें इसमें भी 205/60/16 आ गया, और ये हाट हाट की जो आवाज़ आती है ना मैं का तो बंदा डरा देती है। अच्छा तो ये जो नाइट्रोजन गैस भर गए ना, ये चेक करें नाइट्रोजन जनरेटर फॉर टायर इंफ्यूशन, ठीक है। इसका ये बेनिफिट होता है कि ये जो हवा होती है ना ये ठंडी होती है, जितनी गर्मी आ गई है ना तो वैसे ही बुरा हाल हो जाता है टायरों का भी गर्मी से, तो इसके अंदर ना ठंडी हवा होती है, तो जिस वजह से ना जो काम है ना वो बड़ा गुड रहता है, और गाड़ी के जो टायर है ना उनको गर्म नहीं होने देता है। जिसमें ये देखें ना ये भी टायर ही इन्होंने खोला, ठीक है, इसके अंदर देखो हल्का हल्का पानी भी आया है, ये ना बहुत ठंडी हवा होती है। अच्छा तो गाइस इधर वाले दोनों टायर इंस्टॉल हो गए हैं, ठीक है, अब इधर वाले जो हैं ना वो रह गए हैं, ये चेक करें यहाँ से गाड़ी जो उन्होंने उठाई हुई है, बस जैसे ही ये दो टायर होते हैं इसकी भी व्हील बैलेंसिंग होके टायर लग जाएंगे फिर गुड टू गो। अच्छा इसकी मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, ये केक्स एंड बेक्स है, ठीक है, फैसल टाउन वाला है, इसके अपोजिट ये दुकान है सुल्तान ट्रेडर्स, ठीक है, ये यूनुस भाई यहाँ पर होते हैं, ठीक है, ये यूनुस भाई का नंबर मैं नीचे लगा दूंगा, इनके पास हर किस्म के टायर अवेलेबल हैं, 17, 18, 15, 16, 14 हर किस्म के, हर प्रोफाइल इनके पास अवेलेबल है, ठीक है, बस आएँ इंस्टॉल करवाएं और चले जाएं, बड़े कोऑपरेटिव भाई हैं। अच्छा तो गाइस जो टायर डलवा के आ गए हैं, मौसम इतना को गंदा है, इतना को गंदा है, अभी थोड़ी सी बारिश हुई है और चिप 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 हो रहा है, बहुत गंदा मौसम है, ठीक है, एसी के अंदर भी बैठो तो भी आवाज़ आ रही हो रही है। खैर हम पहुँच गए हैं वापस, ठीक है, टायर डलवा के, रास्ते में बारिश थी तो कीचड़ वगैरह काफ़ी था जिस वजह से टायर दोबारा गंदे हो गए हैं, लेकिन मैं गाड़ी चला के आया हूँ, ठीक है, ना टायर का कोई शोर है, ठीक है, बड़े मज़े के टायर हैं, और थोड़ी सी मैंने तकरीबन कोई 20 किलोमीटर चला के गाड़ी ड्राइव करके देख ली है, बाकी गुड सीन हो गया, ठीक है। अगर किसी ने लेने हो तो मैंने आपको सारा कुछ डिटेल बता दी है, तो आप जाके ले भी सकते हैं, ठीक है। जो पुराने टायर हैं वो ये देखें, ये आ गए हैं, ठीक है, ये भी इनकी भी कंडीशन बहुत गंदी थी, ये देखें बिल्कुल ख़राब थे, रिस्की था, और इसमें से टायर बाकी ठीक भी हैं, लेकिन ये है कि टायर जब मैंने व्हील बैलेंसिंग करवाई थी ना तो टायर टेरे थे, जिस वजह से ना मैंने कहा यार रिस्क नहीं लेना, ऊपर से ये टायर भी टेंपर हुए थे, ठीक है, ये टेंपर होकर 2022 लिखा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतना होगा, ऊपर इसके पास ऊपर क्रैक भी बहुत हैं, बाकी चारों टायर ये है, ये घर जाके मार्केट्स के लिए बाद में काम आ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है ना इसका मैं आपको बिल दिखाता हूँ, ठीक है, कि हमें ये टायर पड़े कितने के हैं, ये चेक करें, ये सुल्तान ट्रेडर्स, बाकी इनके पास सारी वैरायटी अवेलेबल थी, रिम वगैरह ये वो हर चीज़ इनके पास लिखी थी, इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेक करें 76 के ऊपर, क्योंकि ऊपर मेरा नंबर वगैरह लिखा हुआ है वो नहीं मैं दिखा सकता, 76,000 के टायर आए हैं, ठीक है, और ये तकरीबन 19,000 का टायर मुझे एक पड़ा, और बाकी जो है ना टायर बेहतरीन है, जाके रेट देख के परेशान हो गए थे कि यार टायर इतने इतने महंगे हो गए हैं, पहले चाइना का जो है ना वो बड़ा सस्ता मिल जाता था, तब चाइना भी 20-25 हज़ार पे पहुंच गया, और जो योकोहामा वगैरह हैं उनकी तो बात ही ना करो, वो 30-35-40 उनकी ये प्राइस हो गई है। खैर बाकी ऊपर से मैंने 205 डलवा लिया, टायर भी चौड़ा हो गया, ये वैसे गाड़ी ऊंची है, ठीक है, तो चौड़े टायर की वजह से ना रोड ग्रिप भी बन जाएगी, बाकी खैर गाड़ी खड़ी करते हैं तो अंदर चलते हैं, अंदर जाके दिखाते हैं आपको सीन, ऊपर खाना बना रहे हैं वो भी आपको चेक कराते हैं, फिर व्लॉग एंड करते हैं, गाड़ी तब तक मैं साइड पर लगा लेता हूँ। तो गाइस टायर डलवाने की खुशी में हम यहाँ पर आ गए हैं, ये जो बिरयानी बनाई है ना ये हमजा भाई और सलमान भाई ने बनाई है, ये चेक करें आप, ठीक है, अभी थोड़ी सी हाथ मार के टेस्ट की थी गाइस। तो बहुत ना यमी यमी है, बाकी ये चेक करें चावल जो है ना खिले खिले लग रहे हैं और बड़ा मजा आएगा, खैर ये चेक करें, अब ये टायर डलवाने की खुशी में ये काम करवा ली है, बाकी जो है ये खाते पीते हैं और मौजे करते हैं, और बाकी यार व्लॉग एंड कर देते हैं, और क्या करना है, लंबी नहीं करनी, फजूल ना एक्टिंग नहीं होती मेरे से, बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।